Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine and आप लोग टाइटल से पढ़ चुके हो कि आज का वीडियो क्या होने वाला है तो सबसे पहले तो जो तो त्योहार आते जा रहे हैं ना हमारे इतने सारे अभी गणेश चतुर्थी निकली अभी नवरात्रि और दुर्गा पूजा आ रहा है एंड देन uh, दिवाली आएगी करवा चौथ आएगा तो अभी लाइन से हमारे सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अगले दो महीने में मैं वही सारा कॉन्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो आपको ये पूरे फेस्टिव सीजन प्लस जिन नवंबर दिसंबर के टाइम पे वेडिंग्स होती रहती है सबके घरों में शादियां होती है तो ये जो दो महीने में कंटेंट डालने वाली हूँ ना ये आप लोगों के बड़ा काम आने वाला है अगले कुछ महीनों के लिए तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो बट यस आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है देखो बड़ा सुंदर लग रहा है लुक एट द बेस बहुत फ्लॉलेस लग रहा है एकदम ड्यू ड्यूई सा बहुत ही बेसिक सा मैंने आई लुक किया हुआ है मैंने कुछ ज्यादा ग्लैमरस नहीं किया बिकॉज फिर सब लोगों के आउटफिट्स पे बढ़िया तरीके से नहीं जाता और बिगिनर्स होती नहीं कर पाते ये आई लुक लिटरली दो मिनट में क्रिएट हो जाएगा तो आप लोग जरूर वीडियो में देखना कि मैंने कैसे ये पूरा मेकअप किया है एंड इस मेकअप की बेस्ट बात ये है कि ये सारा अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी मेकअप है ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ प्राइस पॉइंट देखा और उतने प्राइस मुझे जो भी मिल रहा है मैंने उससे मेकअप कर लिया बिल्कुल भी नहीं मैंने अंडर 500 प्रोडक्ट्स पिक किए हैं वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं खुद एवरीडे बेसिस पे यूज़ करना पसंद करती हूँ खुद फेस्टिव टाइम पे मैं यूज़ करती हूँ लाइक दिस इज़ समथिंग जो मैं खुद अभी फेस्टिव सीजनस आएंगे ना तो मैं यही लुक लिटरली क्रिएट करने वाली हूँ सिर्फ लिपस्टिक्स आप स्विच कर सकते हो और ये जो शिमर मैंने लगाया उसका कलर स्विच कर सकते हो अपने आउटफिट के हिसाब से एंड येस यू विल बी गुड टू

Uh, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड इट इज़ अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर तो इस वाली रेंज में काफ़ी सारे प्राइमर्स आपको मिल जाएंगे विद द सेम टेक्सचर इनसाइट का जो थ्री इन वन प्राइमर है वो भी कुछ इसी तरीके का है बट दिस रामबल का प्राइमर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है एंड मैं प्राइमर को थोड़ा सा अपने अंडर आइज पे भी लगा लूँगी इससे जो मतलब कंसीलर है वो क्रीज नहीं करता है एंड काफ़ी स्मूथली अप्लाई होता है तो फिर क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है तो इसको मैं ऐसे प्रेस करूँगी ताकि ये मेरे पोर्स में अच्छे से फेल हो जाए एंड इट विल गिव मी अ स्मूद बेस टू वर्क विथ फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मामा अर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो अपनी शेड मैच कर लो और अगर आपको ट्राई करना है तो छोटा ट्यूब ले लो और पसंद आ जाए तो फिर बड़ा ट्यूब ले लेना लाइक द पंप वाला एंड दिस इज़ अ रियोली रियॉली गुड फाउंडशन आज कल मैं इसको एवरी डे बेसिस पर यूज़ कर रही हूँ लाइक ऑफिस एंड ऑल के लिए आई इसके अपन कंसीलर और मैं सिर्फ इसी वाले फाउंडेशन को लगा के ऑफिस चली जाती हूँ एंड दिस फाउंडेशन डज नाट बज वॉट एवर पूरे दिन एज इट इज रहता है एंड बिल्कुल भी ऐसा ऑयली नहीं होता फटता नहीं है मेरे बेस के एक ही नहीं लगता एंड इट एक्चुअली लुक्स लाइक आई डो नॉट हैव एनी फाउंडेशन ऑन ये वाले ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल आई थिंक टू हंड्रेड समथिंग में मैंने ये सेवन ब्लेंडर्स लिए हैं फ्राम एमेज़ॉन उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है लाइक मीडियम सॉफ्टनेस बट येस इट इज गुड टू वर्क विद इवन फॉर द बिगिनर्स तो मैं फटाफट से अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर लेती हूँ फाउंडेशन ब्लेंड हो गया एंड यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा ग्लोई और सा इफेक्ट है इस फाउंडेशन का बहुत ज्यादा सुंदर लगता है मैं ऑयली स्किन टाइप एंड स्टिल इट वेरी गुड फॉर मी बिल्कुल भी केक या ऑयली नहीं होता है थ्रू आउट द डे तो आप इसको ओवर टाइम लाइक फुल डे के लिए भी वेयर कर सकते हो कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर नाउ यू गाइज नो कि ये कंसीलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मेरे पास इसका पहले सैंड सेबल वाला शेड था जो कि मेरे लिए लाइट था बहुत ज़्यादा लाइट था अभी मैंने इसका दूसरा शेड मंगाया है जो कि मुझे लगा था कि मेरे स्किन टोन का होगा बदन ये भी मेरे लिए थोड़ा सा लाइट है तो अभी क्योंकि वो फाउंडेशन से मेरे अंडर आई को इनफ कंसीलिंग वाला कवरेज मिल गया था तो इसको फिर से मैं हाइलाइटिंग शेड की तरह यूज कर रही हूँ लाइक लुक एट द कवरेज एंड द फिनिश फ्लॉलेस राइट बहुत आराम से ही किसी भी हाई एंड कंसीलर को टक्कर दे सकता है अभी हम पहले सारे क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ काम कर लेंगे एंड उसके बाद हम लोग अपना पाउडर करेंगे बेस को तो ये एक नया प्रोडक्ट है फर्स्ट टाइम अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ये मेकअप रेवोल्यूशन का क्रीम कॉन्ट्रोल uh, पैलेट है कॉन्ट्रोल और हाईलाइट दोनों है आज हाईलाइट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कंसीलिंग के लिए मैं स्विस ब्यूटी यूज़ कर चुकी हूँ नाउ आई विल टेक दिस ऑन द ब्रश एंड उसके बाद मैं इसे कॉन्टोर करूंगी मैंने मीडियम वाला मंगाया है एंड या द शेड इज परफेक्ट फॉर मी तो अगर आप मेरे स्किन टोन के टूअर्ड्स हो तो आप लोगों को मीडियम वाला शेड अच्छा लगेगा एंड इसमें दो शेड्स और हैं लाइक फॉर द लाइट वंस एंड द डार्कर स्किन टोन और तो तीन शेड्स अवेलेबल है तो आप लोग अपने हिसाब से मंगा लेना एंड लुक हाउ ब्यूटिफुल द शेड लुक्स तो ब्रश से लगाने का यही फायदा है कि मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ प्रोडक्ट एप्लीकेशन पर आप डायरेक्टली इसको अपने फेस पे पहले लगा के तब भी ब्लेंड कर सकते हो यूजिंग ए ब्यूटी ब्लेंडर और योर ब्रश इसी प्रोडक्ट की हेल्प से ही मैं अपना नोज़ कंट्रोल भी कर लूँगी ओके okay, थोड़ा सा इसी का हाईलाइटिंग शेड मैं अपने फिंगर्स uh, पे ही लेके अपनी अपने नोज़ ब्रिज को हाईलाइट कर लूँगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर दी एंड या परफेक्ट आप लोग देख सकते हो कि कितने अच्छे से इसने शेडो दिया है मेरे फेस को अभी इसे पाउडर कर दूंगी ना बहुत सुंदर लगेगा आप देख सकते हो अभी मेरे फेस पे डायमेंशन वापस आ चुके हैं अभी हम लोग अप्लाई करेंगे ब्लश ब्लश के लिए दो ऑप्शन है एक है ये एरा ब्यूटी का ब्लश एक है स्विस ब्यूटी का Uh, ये वाला मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो ये वाला मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ लाइक like, यूज़ तो मैं ये भी कर चुकी हूँ ये प्रोडक्ट मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है आई यूज़ इट ऑन एन एवरी बेसिस बट इसको मैंने एकदम प्रॉपरली किसी वीडियो में मैंशन नहीं किया इसलिए आज मैं ये वाला यूज़ करूँगी बट मैंने आपको स्विस ब्यूटी का ऑप्शन इसलिए दिया क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आई uh, थिंक ये 500, 600 सिक्स हंड्रेड कुछ ए, इस रेंज में है आई थिंक ये सेवन हंड्रेड का ये है इसका एम बट हाँ आपको इनके वेबसाइट पे बाय वन गेट वन के ऑफर्स मिलते रहते हैं तो मैं इसे अगेन ब्रश में पहले लेके फिर अप्लाई करूँगी दिस इज़ अ क्रीम ब्लश इन जिस लुक एट द शेड इट लुक्स सुपर सुपर प्रिटी मुझे ये शेड बहुत ज़्यादा पसंद है आई यूज़ इट ऑन एवरी डे बेसिस इसमें इस, इस वाले ब्लश के मेरे पास दो शेड्स हैं और मुझे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं लुक एट द डिफरेंस लुक एट दिस साइड एंड नाउ लुक एट दिस साइड बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है तो आज क्योंकि मैं एक फेस्टिव मेकअप लुक कर रही हूँ एंड आई लाइक अ लॉट ऑफ ब्लश तो मैं इसको टॉपअप करूंगी एक पाउडर ब्लश के साथ बट फॉर एन एवरी डे बेसिस मैं इसको एज इट इज़ लगा के पाउडर कर लेती हूँ एंड आई डोट नॉट टॉप अप विद द पाउडर ब्लश एंड फिर भी ये पूरे दिन टिकता है एंड मुझे अपना ब्लश टच अप करने की जरूरत नहीं पड़ती तो दिस इज़ ए रियोली रियोली गुड प्रोडक्ट अभी क्योंकि मेरे सारे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज हु आप देखोग मेरा बेस कितना ज़्यादा डोई और ब्यूटिफुल लग रहा है एकदम शाइनी शाइनी ग्लोई ग्लोई सब बहुत सुंदर लग रहा है तो अगर आप ड्राई स्किन टाइप हो तो आप ना सिर्फ अपना ऑयली टीजोन अगर है तो वो सेट कर लो वर आप इसको सेटिंग स्प्रे सेट करके यू कैन यू ब्यूटिफुल बट क्योंकि पूरे दिन तो मेरे स्किन ऐसे तेल की दुकान हो जाती है तो फॉर सेटिंग आई एम यूजिंग दिस मार्स का ट्रेंड सेटर लूज सेटिंग पाउडर समथिंग लाइक दैट एंड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और जिस प्राइस में यह आता है उस प्राइस में दिस इज एन एप्सिल्यूट जेम इस बार मैंने बनाना पाउडर मंगाया इट इज वेरी वेरी गुड अगर आप लोग मीडियम डस्क की या फिर डीप स्किन टोन हो तो मैं अपनी अंडर आइज को हल्का सा बेक करना पसंद करती हूँ तो मैंने अभी ये पाउडर लगा दिया है एंड अभी मैं हल्क हल्का हल्का पाउडर मतलब बहुत ही लाइट पाउडर लेके अपना बाकी का फेस भी सेट कर लूंगी मतलब बहुत ही ज्यादा लाइटली और फोरहेड को भी अच्छे से सेट कर लूंगी क्योंकि वहाँ पे तो मुझे बहुत ऑयल आता है और आप देखो कि ये पाउडर की फिनिश कितनी अच्छी है अभी मेरी स्किन कितनी डू डू सी लग रही थी और अभी पूरी मेरी स्किन मैट हो चुकी है अभी सिर्फ फिफ्टीन थर्टी सेकेंड में इसको और रखूंगी अंडर आइस के नीचे फिर मैं वहां से भी डस्ट ऑफ कर दूंगी एंड आई लव हाउ दिस फेस लुक्स इतना ज्यादा सुंदर और फ्लॉलेस लग रहा है लाइक लिटरली फेस्टिव रेडी बट क्योंकि अभी पाउडर ऑर्डर कर लिया ना तो थोड़े से डायमेंशन वापस से मैट होके डल हो जाते हैं तो अभी मैं ये वेट एंड वाइट का कॉन्टोर यूज़ करूंगी इसका जो बनाना पाउडर था वो मेरा एप्सिल्यूट फेवरेट हुआ करता था uh, अब मार्स वाला ज़्यादा अच्छा लगता है और ये टूट भी गया था तो मैंने दोबारा नहीं खरीदा बिकॉज़ ये अभी मेरा बचा ही हुआ है आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट पैन ऑन दिस दिस कॉन्टोर इज़ परफेक्ट ये दो सी दिलेच वाली शेड में मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट ऐसा कॉन्टोर और ब्रॉन्जिंग के बीच का शेड है लाइक like, एकदम कूल cool टोन भी नहीं है एकदम वार्म टोन भी नहीं है तो मुझे ये शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तो so, इसकी मदद से मैं अपना फेस कॉन्ट्रोल कर लूँगी हाइडिंग दैट एक्स्ट्रा फैट एंड क्योंकि मेरा फॉरहेड काफ़ी ब्रॉड है तो आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जिंग हियर इज वेल अब इसी की मदद से अपना हल्का सा नोज कॉन्ट्रोल कर लूँगी एंड वी आर डन बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लग गया मेकअप तो अभी मैं अपने ब्लश को टॉप अप कर लूँगी एक पाउडर ब्लश से उसके लिए यूज़ कर रही हूँ ये शुगर पॉप का ब्लश बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और जितना अफोर्डेबल है उतनी ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है लाइक लुक एट इट अमेजिंग राइट मतलब एकदम से इतना ज़्यादा पिगमेंट देता है ये तो इसको मतलब आप हल्का हल्का करके यूज़ करना शुरू करो आप इसको एक साथ ना बहुत ज़्यादा भी लगा सकते हो फिर टोन डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इफ़ यू आर अ बेगिन तो यस धीरे धीरे बिल्डअप करो बिल्डअप भी हो जाता है अच्छे से एंड द शेड ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी प्रिटी इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा शेड लगेगा और मेरा जो एरा ब्यूरी वाला कलर था ना उसके साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हाइलाइटर बचा है बस उसको मैं अपने सेटिंग स्प्रे के बाद लगाऊंगी तो सेटिंग स्प्रे के लिए यूज़ कर रही है रेने का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ मैंने जस्ट अभी अभी खरीदा है तो फर्स्ट यूज़ के बाद मैं बता सकती हूँ कि इसका जो मिस्ट है वो काफ़ी अच्छा है लाइक बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है बट येस इट इज़ समथिंग दैट आई लाइक एंड इसने प्रोडक्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है मेरे फेस पे तो मुझे अच्छा लगा एंड बहुत स्लाइट फ्रेगरेंस है आई डू नॉट माइंड फ्रेगरेंस इन माय मेकअप जिसने मेरे सारे पाउडर्स बहुत अच्छे से मेल्ट कर दिया है एंड माय बेस लुक्स प्रिटी गुड अभी ये हल्का हल्का ड्राई हो गया है तो मैं इसके ऊपर अब लगा लूँगी अपना हाईलाइटर मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर दिस इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट हाइलाइटर्स स्पेशली फॉर इंडियन स्किन टोन इसका ये जो गोल्ड वर्जन है जस्ट लुक एट दैट ग्लो आई एब्सोल्युटली लव इट एंड स्पेशली इसको आप सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद लगाओ तो ये ना एकदम पैची सा नहीं लगता पाउडरी पाउडरी सा एकदम ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में अच्छे से एंड आई विल जस्ट हाईलाइट द हाई पॉइंट्स ऑफ माई फेस अभी हाईलाइटर लगाने के बाद मैं हल्का हल्का से स्पॉन्ज से डांप कर लेती हूँ ताकि कहीं पे भी ऐसे अक्यूमिलेटेड ना लगे पैची ना लगे एंड अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो अभी देखो मेरा बेस पूरा कंप्लीट हो गया एंड लुक एट हाउ ग्लोई एंड प्रिटी फ्लॉलेस माय बेस लुक्स तो आप इसको किसी भी मेकअप लुक के लिए ये वाला बेस कर सकते हो अभी हम अपने आई लुक करेंगे जूम यू एनालजिस जूमियोगाइजन तो मैं अभी अपने आईब्राउ से स्टार्ट करूँगी उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की माइक्रो प्रिसन आईब्राउ डिफाइनर इसमें एक साइड पर स्पूली है और दूसरी साइड पे पेंसिल है तो मैं इसको यूज कर रही हूँ इसकी शेड एकदम परफेक्टली मैच करती है मेरे लिए एंड मुझे काफ़ी ज्यादा पसंद आई प्लस काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है तो अभी मैं अपने आई डिफाइन कर लूंगी फटाफट से जिस लुक के एक आई बनाने से आपके फेस के स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस आ जाता है बोथ आई ब्राउज लुक परफेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला आई पेंसिल एंड बिल्कुल नेचुरल लगता है उतना ज्यादा यू नो मेडअप नहीं लगता है इट लुक्स प्रिटी गुड तो मुझे काफ़ी ज्यादा पसंद आया अभी हम अपना आई मेकअप कर लेंगे तो मैं काफ़ी ज्यादा बेसिक आई मेकअप करने वाली हूँ तो मैं स्विस ब्यूटी का अगेन काफी सारे आई थिंक स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है आई

एंड इसी को मैं टाइट लाइन और अपनी वाटर लाइन के ओ, अपर लैश लाइन के पास भी लगा लूँगी दिस इज़ द आई लुक जो मुझे इंडियन वेयर पे बहुत अच्छा लगता है एंड इसको आप बहुत इजीली कर सकते हो तो ये काजल की जो लाइंस है वो परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपने काजल लगा लिया तो अभी एक ब्रश यूज़ करो या फिर अपनी उंगली से ही आप इसको अच्छे से स्मज कर लो इसलिए लाइन्स परफेक्ट होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए आई लुक ना दो मिनट में हो जाता है और इसी तरीके से मैं नीचे भी थोड़ा सा स्मच कर लूंगी नाउ दैट दैट इज़ डन अभी आप लोगों को लेना है एक आई शेडो पैलेट मैं आप लोगों को ये वाला सजेस्ट करूंगी ये अभी स्विस ब्यूटी का न्यू लॉन्च हुआ है ये है उनका डुअल पासपोर्ट दिस पैलेट ये फेस एंड आई दोनों के लिए है ठीक है तो अगर आपको नहीं चाहिए कि आप एक फेस पैलेट अलग से लो और आई पैलेट अलग से लो तो फिर आप इस वाले को ख़रीद सकते हो तो इसमें ना ये देखो ये दो मैट शेड्स हैं दो शिमर शेड्स हैं और यहाँ पे ये फेस के लिए ब्लश है और ये दोनों ही मैट है बट इसका एक वेरिएंट आता है जिसमें एक मैट और एक शिमर होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो तो आज मैं ये मॉव मॉव टाइप का जो शेड है ना उसको लूँगी एंड नाउ आई हैव टू डू इज इसको आप बस यहाँ पर पूरे अपनी आईलिड पर लगा लो जो आपने काजल स्मच किया था उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा लगा लेना तो ये एक बहुत ही सुंदर सा डिफ्यूज स्मोकी लुक देगा आपको आप इसमें कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो गो फॉर मॉव्स गो फॉर पिंक्स फॉर ब्राउन जिस भी टोन का आपका आउटफिट है आप वो कलर यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा प्रटी लगता है अगर आपकी कोई काजल वाजल को समझ करने में मिस्टेक भी हुई थी तो वो भी इसमें कवर अप हो जाएगी सो दिस इज़ अ हैक फॉर क्विक टू मिनट्स स्मोकी आई लुक अभी आप वही कलर थोड़ा सा लेके अपनी लोअर लाश लाइन पे भी लगा लो ठीक है अभी ये हो गया तो हमारा आई लुक ऑलमोस्ट कम्प्लीट है अब अगर आपको पसंद है आई लाइनर लाइक विंग डाई लाइनर समथिंग तो आप यहाँ पे विंग डाई लाइनर भी लगा सकते हो बट मुझे ऐसे ही अपना आई मेकअप पसंद है बट क्योंकि ये फेस्टिव ग्लैम है तो मैं इसी के नीचे जो ये मॉव वाला ग्लिटरी ग्लिटरी सा शिमर शेड है उसे अपनी फिंगर्स पे लूँगी एंड मैं इसको अपनी आईलेट पर सेंटर में लगा के एक क्लीन फिंगर से पूरी आईलेट पर स्मच कर लूँगी ताकि ये हल्का फुल्का जो स्पार्कल है इट गिव्स दैट फेस्टिव वाइब सिमिलरली थोड़ा सा यहाँ पे लगा के आई विल स्मज इट ऑल ओवर माई लिड एंड इससे एकदम ग्लैम फेस्टिव वाली वाइब आ गई है तो अभी मैं फटाफट से मस्कारा लगा लूँगी मैं यही वाला मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मेबली इनका हाईपरकर्ल मस्कारा दिस मस्कारा हैज़ बीन माई एब्सोल्यूट फेवरेट सिंस आई स्टार्टड दिस कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी एंड मुझे ये आज भी बहुत ज़्यादा पसंद है लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल मस्कारा जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है लाइक मे बिली नोज वट दे आर डूइंग इट कम्स टू मस्कारा सो ये हो गया मेरा आई लुक कम्पलीट एंड लास्ट स्टेप बचा एंड देर इज द लिप्स तो अभी मैं लिप लाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का जेल लिप लाइनर एंड लिप फिलर टू इन वन पेंसिल ये वो जो उनके सेट में आते ना उससे अलग है एंड दिस इज मोर क्रीमियर तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूद और बटरी सी पेंसिल है ग्लाइड कर जाती बहुत ईजीली तो मैं इससे अपने लिप्स लाइन और फिल दोनों करूंगी वैसे तो ये लिप शेड अपने आप में भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है बट अभी मैं देख रही हूँ कि मेरा आउटफिट के साथ उतना जा नहीं रहा तो आई एल बी यूजिंग दिस लिपस्टिक ये प्लम की लिक्विड लिपस्टिक है इन द शेड वेरी बेरी मलबरी कुछ ऐसा ही हाँ वेरी बेरी शेड है एंड मैंने ऐसे पर्पल टोन्स में लिपस्टिक मैं उतना ज्यादा वेयर करती नहीं हूँ लाइक आज तक आई डोंट थिंक मैंने कभी किया तो मैं इसको फटाफट से लगा लेती हूँ सो यस दिस वॉज द मेकअप लुक जो मैंने क्रिएट किया है इस साल के फेस्टिव और वेडिंग सीजन के लिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करना और मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आप क्या चाहते हो कि मैं कौन सी और वीडियो डालू वीडियो को शेयर करो और अगर ये लोग क्रिएट करते हो तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है वहां पर टैग करके जरूर स्टोरी पे मुझे शेयर करना अपने लुक्स एंड येस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब तो नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन वैल राइट सो दट आई अपलोड इन योर वीडियो यू गैट नोटिफाइड आई विल सी यूर सुपर सुपर सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टेफ स्टे हेल्दी बाय बाय